राधे कृष्ण दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखने से व्रती को समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई रविवार 2022 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं कामिका एकादशी। कामिका एकादशी व्रत श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखने से व्रती को समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। हालांकि इस समय वे 4 माह के लिए पाताल लोक में निद्रासन में होते हैं और सृष्टि का कार्यभार उनके विविध प्रकार के अवतार संभालते हैं। इस बार कामिका एकादशी व्रत 24 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ होगा शनिवार 23 जुलाई 2022 को सुबह 11:30 से, समाप्त होगा रविवार 24 जुलाई 2022 को दोपहर 1:45 तक, और एकादशी व्रत का पारण समय होगा सोमवार 25 जुलाई 2022 को प्रातः 5:40 से सुबह 8:22 तक। आइए जानते हैं व्रत विधि। सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करवाए, मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाए, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाए, भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, शाम को तुलसी की पूजा अवश्य करें। कामिका एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। सुबह व्रत का पारण मुहूर्त में व्रत खोले, अंत में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा लेकर विदा करे। आइए जानते हैं व्रत कथा। एक नगर में वीर क्षत्रिय रहता था जो दिल का नेक था, किंतु उसे गुस्सा बहुत आता था, इसलिए कई बार इसी बात को लेकर कई बार उसका झगड़ा हो जाता था। क्रोधित स्वभाव के कारण ही एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक वैष्णव से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने हाथापाई के दौरान एक वैष्णव की हत्या कर दी। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या वैष्णव हत्या का दोष लग गया। क्षत्रियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या वैष्णव की हत्या के दोषी हो, इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से भी बहिष्कार कर दिया गया। इन सभी कारणों से परेशान होकर क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। पहलवान ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद से ही ब्राह्मण अपराध या वैष्णव अपराध से बचने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याण मोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।